उसमें काफ़ी लोग पकड़े गए। और ये जो सोशल मीडिया पे मैं लोगों से अपील करूँगा, मीडिया से भी कहूँगा, आप भी इस तरह के जारी करें। प्रशासन सरकार अपनी जगह लगी हुई है। जब महामारी होती है तो महामारी में ना कोई प्रधानमंत्री होता है, ना मुख्यमंत्री, ना मंत्री। जब पहले युद्ध हुआ करते थे तो राजा खुद घोड़े पे बैठ के लड़ता, अब प्रधानमंत्री जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। युद्ध चालू हो गया, उनको वैक्सीन का पैसा चाहिए, वैक्सीन पर GST चाहिए। बंगाल का चुनाव था तब तक प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ाई नहीं। अब क्या है कि राज्य हिंदुस्तान में एक ही टैक्स बाकी रह गया GST के बाद, वैक्सीन पे लगा ही दिया, अब 700 पे टैक्स बाकी रह गया। अभी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपने अधिकारियों से पूछ रहे हैं, सांस बोले सांस पे भी साहब टैक्स लगा दिया, वो बाकी वो भी लगा दो, बचा क्या हिंदुस्तान का खजाना ना तो कांग्रेस का है ना BJP का, हिंदुस्तान की जनता का है। और इस महामारी में ये कांग्रेस BJP करना बंद करो, सबसे बड़े नेता हो देश के, लोग सवाल भी उठाएंगे, सवाल खड़े भी करेंगे। और संकट की घड़ी पहली बार आई है पूरी दुनिया के सामने, और संकट में ही नेता का और सरकार का पता चलता है। इसलिए संकट में ये वो सरकार है जो वैक्सीन के पैसे मांग रही है, ये वो सरकार है जो खुल के कह रही है कि हम तो GST भी लेंगे, और वो सरकार जो पेट्रोल डीजल में रोज रेट बढ़ा रही है। ऐसा कोई बड़ा पैकेज अभी राज्यों को नहीं मिला है। यदि सरकार की नीयत ठीक होती तो एक ही अनाउंसमेंट होता, थ्रू आउट इंडिया फ्री वैक्सीन, और पूरी दुनिया की कंपनियों को आमंत्रित करते, जगह जगह वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलता और उनका पेमेंट केंद्र सरकार करती। लाशों के ढेर लग गए, ऑक्सीजन मैनेजमेंट केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। पिछली बार ऑक्सीजन मैनेजमेंट केंद्र सरकार के हाथ में नहीं था, तब ऑक्सीजन की मारामारी नहीं थी। और आप कैसे कर सकते हैं कि राजस्थान में 10 मरीज, गुजरात में 10 मरीज, 10 मरीजों के लिए उनको तो इतनी ऑक्सीजन दे दी कि फालतू पड़ी है गुजरात में, और 10 मरीजों के लिए हमको इतनी ऑक्सीजन दे दी कि 8 मर जाए। ऐसे कभी होता है? ये सरकार होती है, ये सरकार नहीं है सर। वो तो आप पे आरोप लग